यस डियर मेरे दोस्त, आज हम बात करेंगे स्टीरॉयड के हवाले से। स्टीरॉयड की तीन टाइप्स होती हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, मिनाल्कोकॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंड्रोजन स्टीरॉयड। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टीरॉयड जो होते हैं वो एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट होता है वो बनाता है स्टीरॉयड। स्टीरॉयड को ACTH इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करवाता है। अगर हम बात करें इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो ACTH रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है और आके जोना ग्लोमेरुलस और जोना फेसिकुलेट को ऊपर एक्ट करता है और ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड को रिलीज करवाता है। स्टीरॉइड की तीन टाइप्स होती हैं, मिनरलोकोर्टिकोस्टेरॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंड्रोजन स्टीरॉइड। अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करें, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड की जो इंडिकेशन है वो एज एन इम्यून सप्रेसेंट के तौर पे यूज किया जाता है। जब बी और टी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाए तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए जो बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस यूज की जाती है वो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज की जाती है। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड की अगर एग्जाम में इंडिकेशन पूछी जाए तो दो बातें आपने याद रखनी है, एक इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं, सेकेंड एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर यूज होता है। बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन चल रही हो, इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करने के लिए हम ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई टॉक्सिक सब्सटेंस पेशेंट ने इंटेक किया, टॉक्सिक सब्सटेंस जो भी हमारी बॉडी में जाएगा मास्ट सेल के ऊपर जाकर हिस्टामिन को रिलीज करवाएगा। हिस्टामिन जब हमारी बॉडी में ज्यादा रिलीज होगी तो वो क्या काज करवाएगी, इन्फ्लेमेशन। तो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हम यूज करेंगे किसी भी इंसानी सेल में, एनिमल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करने के लिए जो बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस यूज की जाती है वो है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। दो बातें, अगेन इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करना हो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करेंगे, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना हो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करेंगे। एग्जाम के एमसीक्यूज है, कौन सी बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस है स्टीरॉइड में से अगर इम्यून सिस्टम को आग लगी हो, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए हम कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस यूज करते हैं, तो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड में एक इंजेक्शन आता है मिथाइल प्रिडनिसोलोन। मिथाइल प्रिडनिसोलोन इज द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ इम्यूनोसप्रेशन। वहां पे एक ऑप्शन दिया होगा मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन को कभी भी टेक नहीं करना। मिथाइल टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो एथलीट यूज करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को इनहिबिट करने के लिए। जो मिथाइल प्रिडनिसोलोन है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड का वो यूज होता है इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए। दो बातें, अगर कोई ऐसा पेशेंट मिले जो ज्यादा स्टीरॉइड इंजेक्ट कर रहा हो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, या उसका अपना ही अपनी ही उसकी ग्लैंड ज्यादा रिलीज कर रहे हो, तो वो डिजीज हो जाती है कुशन सिंड्रोम। तो कुशन सिंड्रोम कौन काज करवाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाए तो सिंपल याद रखना है एडिसन डिजीज। तो जब भी ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड का जिक्र किया जाए तो दो डिजीज आपने याद रखनी है, एक में ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड इंक्रीज होंगे तो कुशन सिंड्रोम होगा, दूसरे में अगर ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड डिक्रीज होंगे तो एडिसन डिजीज होगी, तीसरी डिजीज कुशन डिजीज। अगर इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH मैक्सिमम रिलीज हो जिसके रिजल्ट में ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड मैक्सिमम बने, तो तब जो डिजीज होगी उसे हम नाम देंगे कुशन डिजीज। कुशन सिंड्रोम एक अलग सिनेरियो है, कुशन डिजीज अलग केस है, एडिसन डिजीज अलग है। तो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड से तीन चीजें, कुशन सिंड्रोम, एडिसन डिजीज और कुशन डिजीज। अगर ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड इंक्रीज हो जाए तो कुशन सिंड्रोम, अगर ACTH ज्यादा रिलीज हो और वो आके एड्रिनल ग्लैंड से ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड को मैक्सिमम रिलीज करवाए तो कुशन डिजीज। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल कम हो जाए तो डिजीज का नाम होगा एडिसन डिजीज। तो डियर मेडिकोज, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड के हवाले से, मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड के हवाले से और एंड्रोजन स्टेरॉइड के हवाले से। तो टोटल स्टेरॉइड के तीन टाइप्स आपने याद रखनी है, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंड्रोजन स्टेरॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड की दो बातें आपने याद रखनी है, इम्यूनोसप्रेशन के तौर पर यूज होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट करता है। थैंक यू सो मच।